अमर शहीद भूपेंद्र कालीराना की शहादत की पांचवी तिथि पर लगा मेला जोधपुर भोपालगढ़। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले। आज शहीद भूपेंद्र कालीराना भोपालगढ़ क्षेत्र के बुटकिया गांव में शहीद स्मारक पर 32 टीमों ने भाग लेकर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में किसान छात्र संघ जोधपुर और वीर दुर्गादास राठौड़ सालवा कला की टीमें ने फाइनल खेला गया। शहीद की पुण्यतिथि पर आज सुबह रन फॉर भूपी के तहत 12 सेकंड 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के युवाओं ने 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन में भाग लिया। सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने भारत माता की जय का रके साथ भूपेंद्र अमर रहे के नारे गूंजते रहे। आपको बता दें कि सेना में चयन वर्ष 2006 में चयन भारतीय सेना की 17 जाट रेजिमेंट में सिपाही के रूप में हुआ। 9 अक्टूबर 2006 को नियुक्ति पत्र ग्रहण किया। देश सेवा में बलिदान वर्ष 2012 में आप श्रीनगर के नौगांव सेक्टर में तैनात किए गए। उस दिन दीपावली की रात थी। सारा देश जहां दीपोत्सव की खुशियां मना रहा था, वही भारत माँ के ये अनमोल बेटे अंधेरे से ढकी बर फंसे आच्छादित पहाड़ियों पर बैठे देश सेवा का धर्म निभा रहे थे। रात्रि के लगभग 10 बजे इन्हें सूचना मिली कि नौ सबूरी की घाटियों से कुछ आतंकी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। देश की सबसे भीषण जंगी जाट रेजिमेंट का ये जाबांज जान की परवाह किए बगैर ऑपरेशन रक्षक के तहत आतंकियों का सर्वनाश करने निकल पड़े। लगभग 4 घंटे चली आमने सामने की मुठभेड़ में सभी घुसपैठिए मारे गए। दुश्मन की गोली लगने के कारण जाट रेजिमेंट का जाबांज सिपाही भूपेंद्र कालीराना अपने साथी महेंद्र जाट के साथ भारत माता के आंचल में चिरनिद्रा में सो गया। आज ऐसे वीर सपूतों के शहीद होने पर उनकी चिताओं पर हर बरस मेले की तरह आयोजन किया जा रहा है, वही आज एक शाम भूपी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर से पनावड़ा टीवी के लिए रामप्रसाद सेन की रिपोर्ट। यहाँ पर 13-57 का स्कोर हो चुका है। काफी ज्यादा पॉइंट से पीछे हुई अभी तक सालवा की टीम। सेकंड हाफ चल रहा है। वापसी करने के लिए कुछ हल्क हटके करना पड़ेगा, कुछ चमत्कार दिखाना होगा। जैसा कि प्रदीप नरवाल ने यहाँ पर पल से का बल्ला सालवा को दिशा की प्रतीक्षा करेंगे और यहाँ पर आउट होते हैं। बहुत जरूरी है, आपकी टीम पहले से इतना पीछे चल रही है और उसमें अगर आप इतने ढीलापन बैठोगे तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं सिर्फ भुगतना पड़ेगा और भुगतना पड़ा यहाँ पर उदास उदास के द्वारा बहुत ही बेहतरीन फैसल किया गया और एक और पॉइंट में इजाफा किया गया। और एक घोषणा, उप विजेता और विजेता दोनों टीमों को, यानी कि जो दोनों टीमों ने मैदान में खेल का प्रदर्शन कर रही है उनको श्रीमान चैनाराम जी पुत्र श्री रामूराम जी दिगर उगरवाल फौजी साहब की तरफ से 1100 रुपए पुरस्कार के रूप में, नकद पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाएंगे। जोरदार तालियां फौजी साहब के लिए। आप सुभाष के द्वारा प्रयास सुपर प्लेयर और सफल होते रहे।